नमस्कार दोस्तों, आर्या स्टिजाना स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, लंबाई हमने 7 इंच ली है। अब हमें सिंपल स्लीव कट कर लेना है, जो कि हमने 3 इंच लिया है आर्म होल का निशान करने के लिए, और वहीं से इसको कट कर लिया है। तो देखिए, इस वीडियो में 2 डिजाइंस बनाना बताएंगे। अब यहाँ से 2 इंच लिया, 2 इंच पर ये गोलाई दे दी है। अब यहाँ से अब 2 इंच इस साइड ऊपर से लिया है, पहले सेंटर लाइनिंग की, फिर 2 इंच पर ये गोलाई इस तरह से मिला लेनी है। अब हमें कपड़ा लेना है और कपड़े पर रखते हुए इसको कट कर लेना है। तो इस तरह देखिए कट कर लिया कपड़े पर। अब कपड़े की सीधी वाली तरफ इसको रखा है और यहाँ से देखिए सिलाई इस पर लगाएंगे इस तरह से। अब 2 पार्ट इसके हो जाएंगे, यहाँ से कट होगा। ऊपर पूरा नहीं कट करेंगे, ऊपर हमने 1 इंच छोड़ रखा है, 1 इंच से थोड़ा कम ही सिलाई के लिए, शोल्डर सिलाई के लिए। अब इस तरह से कट करने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे, इसको पलटना है और फिर ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। तो हमने सिलाई लगा ली है, सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दिया इस तरह से। अब डिजाइंस बनाने के लिए इस तरह सीधा कपड़ा लेना है और इस पर सिलाई लगा दी है। अब इसको पलट कर सीधा कर लेना है, 1/2 इंच चौड़ी पट्टी तैयार करेंगे। सीधा करने के बाद 2-2 इंच की कट कर लेंगे। अब देखिए इसको यहाँ से लगाना शुरू करेंगे, जितनी फिटिंग है नाप कर जो कपड़ा सिलाई के लिए है उस पर छोड़ देना है, उसके आगे से ये डिजाइन इस तरह से लगानी है। यहाँ तक लगाएंगे तो ये देखिए इस तरह से लगा लिया है। अब पतला सा लेस लेंगे और इस तरह से इसको लगाएंगे, 2 बार इस तरह से लगा लिया है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। अब हमें 1 इंच चौड़ाई कपड़े की लेते हुए इस तरह से लेंगे और इसको मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसकी चौड़ाई 1/2 इंच रहेगी। अब सुई में धागे डाल कर धागा डाल कर लेना है और इसी में छोटी छोटी चुनर बनाते हुए इसे निकाल लेना है। अब यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे धागे को टाइट से खींचने के बाद। तो इस तरह से डिजाइन हमें अब तैयार करनी है। इसी तरह से डिजाइनें बना लेंगे और देखिए इसको लगाएंगे। आप पहले ये डिजाइन तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस वाली साइड में पकड़कर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पर 2 मोती लगा देंगे। फिर सिलाई अच्छे से 2-3 बार लगा लेंगे, उसके बाद 2 मोती बीच में इस तरह लगाते जाएंगे। पूरी डिजाइन इसी तरह से देखिए हमने बना ली है। अब ये वाली डिजाइन लेंगे और यहाँ पर रखेंगे इसको, और देखिए इस तरह लगाने के बाद 1 मोती लगा देंगे। इसी तरह से ये डिजाइनें लगा लेनी है, बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, तब दूसरी डिजाइन रखेंगे और इसी तरह से इसको भी लगा लेंगे। अब जितनी लगेंगी इसी तरह से लगा लेना है। तो इस तरह देखिए लगा लिया है, ये डिजाइन हमारा बनके तैयार हुआ। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर कट लगा दिया है, वहाँ से सिलाई लगेगी। ये डिजाइन बनके तैयार हुआ। अब दूसरा डिजाइन बनाना बताएंगे। उसके लिए देखिए इस तरह से कपड़ा लिया है, 8.5 इंच इसकी लंबाई ली है। अब 3 इंच पर यह आर्म होल का निशान कर दिया है, इसको इस तरह से कट कर लेंगे। नीचे से लेंगे 2 इंच, उसके बाद इस वाली साइड से लेंगे 1 इंच। और इस तरह से देखिए हमें ये कट का निशान ऊपर लगा लेना है, जो कि हमने 1 इंच लिया है। अब
कपड़े पर रख के इसे कट कर लिया है। अब कपड़े की सीधी वाली तरफ इसे रखना है और इस तरह से सिलाई लगाना है, जहाँ से कट वाला निशान ऊपर बनाया है बिल्कुल वहीं से सिलाई इस तरह से डालेंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है, सिलाई लगाने के बाद इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करेंगे और यहाँ पर दो कट लगाएंगे। अब इसको यहीं से पलट लेना है और पलटने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई देखिए लगा लिया है। अब साइड से भी सिलाई पूरे पर अस्तर और कपड़े को पकड़ते हुए सिलाई डाल देना है। तो इस तरह देखिए सिलाई लगा ली है। नीचे वाली तरफ से इस तरह कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सिलाई डाल देंगे। अब हमें डोरी बना कर लेनी है। साढ़े तीन तीन इंच की ले लेनी है, 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही रहे। और इस तरह तीन लेंगे और तीन को बीचों बीच इस तरह से देखिए हमने पहले बांध लिया है, और फिर कपड़े से इस तरह से देखिए यहाँ पर बांध लेंगे इसे अच्छे से। अब दोनों तरफ कपड़े का पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमें डिजाइनें बना लेनी है और देखिए इसको फिर यहाँ से लगाना है। पहले बिल्कुल बराबर से मिला लेंगे, फिर इस तरह से इसको लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा ये फैलाते हुए इस तरह लगाना है। तो एक तरफ से हमने इसे लगा लिया, अब दूसरी तरफ से इसे बनाते हुए सिलाई इस तरह डाल देंगे। तो ये डिजाइने देखिए इस तरह लगा ली है। अब इस पर नीचे फ्रिल रखेंगे, डबल फ्रिल इस पर रहेगी। तो इस तरह से देखिए फ्रिल पट्टी तैयार की, डबल फोल्ड करके इसको लिया है। अब इस तरह बाहरी फ्रिल बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रिल की लंबाई 1 इंच 2 पॉइंट रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे। तो हमने देखिए इस तरह फ्रिल बना ली है। अब देखिए इसको इस तरह से लगाना है, इसी तरह एक और ले लेनी है। इसको नीचे से लगाएंगे इस तरह रखते हुए। अब ये देखिए दूसरी लेंगे और इसको ऊपर से लगा देंगे। तो हमने दूसरी फ्रिल भी लगा दी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था सिलाई के बाहर उसे कट कर दिया है। अब यहाँ पर लेस लगा देंगे, उसके बाद ये डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो हमारे दोनों डिज़ाइन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।